जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है लालच बुरी बला है। तो शुरू करें। एक बार एक किसान था जिसको रास्ते में एक बार एक हंस नज़र आया जो कि बहुत ही सुंदर था, और किसान उस हंस को अपने साथ ले आया। अगले दिन उस हंस ने एक सुनहरे रंग का अंडा दिया जो कि बहुत ही चमक रहा था, और वो अंडा बहुत भारी भी था। किसान ने सोचा कि ज़रूर किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और वो जाकर अब उस अंडे को अपनी पत्नी को दिखाता है। उस अंडे को देखते ही उसकी पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है, ये तुम्हें कहाँ मिला? और चिल्लाते हुए बोली। तो उस किसान ने कहा कि ये जो मैं हंस लेकर आया था ये उसी ने दिया है। ये बात सुन करके वो तो बहुत खुश हुई कि ये हंस तो अब हमारे ही पास है। ये जानकर वो बहुत खुश हुई, और वो हर रोज़ हंस एक और सुनहरा अंडा देता था, जिसे बेचकर किसान बहुत ही धनवान हो गया। और धनवान होने के साथ साथ उसको और उसकी पत्नी को अब लालच ने भी घेरना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही होते अंडे बेचते बेचते किसान बहुत धनवान होता गया, और ऐसे ही समय बीतता गया। हंस रोज़ एक अंडा देता और किसान उसको बेच देता। ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी बैठी हुई थी और कुछ सोचते हुए बोली किसान से कि सुनिए, यदि हम इस हंस को मार दें और इस हंस के पेट से सारे अंडे निकाल लें तो ये सारे अंडे हमारे हो जाएंगे। हमें रोज़ रोज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और हम एक ही दिन में सारे अंडों को बेच करके हम बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। ये बात किसान को थोड़ी अच्छी लगी, और किसान ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी की बात मान ली और उसी वक्त हंस को मार दिया। लेकिन अब क्या होना था? क्या उस हंस के पेट में अंडे थे? नहीं, उस हंस के पेट में तो अंडे थे ही नहीं। और अब देखते ही देखते जिस तरह से उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे हंस को मार दिया, और अब उनके धनवान होने का सपना भी वहीं टूट गया। तो कैसी लगी ये कहानी हमारे बच्चों? उम्मीद है पसंद आई होगी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास हमें जितना भी मिलता है हमें उसमें संतोष करना चाहिए। ज़्यादा के लिए ज़्यादा बार बार सोचने से जो है हमारे पास हम उसे भी गंवा बैठते हैं। अंततः लालच बुरी बला है। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।